चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड कर लो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है ग्राफ दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ के बेसिस पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बताना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ कौन सा अप्रोप्रिएट है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसमें सबसे पहले ये देखो कि यहाँ पर रिटार्डेशन हो रहा है, मान लो ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ओ से ए रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है, और ए से बी यहाँ पर कह दो एक्सेलरेशन हो रहा है, और ओ और बी पॉइंट में डिस्प्लेसमेंट जीरो है, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। ये वैसे ही है जैसे एक कार चले, ओरिजिन से चलना शुरू कर रही है, ओरिजिन से चलना शुरू करी, स्पीड ज्यादा है और यहाँ पर स्पीड कम कम हो गई, जीरो हो गई, ए पॉइंट पे जीरो हो गई, फिर यहाँ से फिर उल्टा चलना शुरू की, वापस गई और ये यहाँ पहुँच गई बी पॉइंट पे। ए ओ और बी दोनों सेम है, सेम पोजिशन पे है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया जीरो। तो यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ और इधर एक्सेलरेशन हुआ, इधर रिटार्डेशन और इधर एक्सेलरेशन, इधर से इधर रिटार्डेशन, इधर से इधर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कर्व देखो दोनों सेम है कर्व, तो अगर रिटार्डेशन भी हो रहा है और एक्सेलरेशन भी हो रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू और रिटार्डेशन की वैल्यू कॉन्स्टेंट होगी, फिक्स होगी, फिक्स होगी, कॉन्स्टेंट होगी। और अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन को बताती है। तो यानी ये दोनों कर्व हैं, ये दोनों नहीं होने चाहिए, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, ए और डी में से कोई एक हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन बताती है। अब दूसरी चीज़ देखो, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा, यहाँ वेलोसिटी कम, जैसे यहाँ पर ई पॉइंट ले लो, यहाँ क्यू पॉइंट ले लो, तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है और फाइनल वेलोसिटी थोड़ी सी कम है, ठीक है, एग्जांपल समझना इसको। तो चेंज इन वेलोसिटी ही एक्सेलरेशन बताता है, चेंज इन वेलोसिटी क्या बताता है? एक्सेलरेशन बताता है। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये क्या बताता है? एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी से ही एक्सेलरेशन डिसाइड होता है, ठीक है। तो v फाइनल माइनस v इनिशियल का मतलब है v फाइनल प्लस माइनस v इनिशियल, ठीक है, ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को बताएगा, ठीक है। तो v फाइनल, v इनिशियल को आप नेगेटिव कर दो, v इनिशियल को नेगेटिव कर दो, v इनिशियल नेगेटिव हो गया। तो अगर v फाइनल आपने पहले ड्रॉ किया, v फाइनल ये ड्रॉ किया, अब इसके टिप से, हेड से, हेड है ये, हेड से अगर मैं v माइनस v फाइनल अगर ड्रॉ करूँ ये वाला, तो इसको कैसे ड्रॉ करूँगा? ऐसे जाएगा माइनस v इनिशियल, ये इसका टेल है, ये इसका टेल है और ये इसका हेड है, तो टेल को हेड से ज्वाइन करेंगे तो ये डायरेक्शन जो आएगा ये v फाइनल प्लस ऑफ माइनस v इनिशियल का डायरेक्शन है, जो कि नीचे की तरफ है। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ, चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन निगेटिव होगा क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है चेंज इन वेलोसिटी का। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन भी नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्ट्यूस एंगल क्या बताता है? ऑब्ट्यूस एंगल नेगेटिव वेलोसिटी बताता है, जबकि यहाँ पर एक्यूट एंगल है। तो ये ग्राफ आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्राफ हुआ, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।